दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो अभी आप देख सकते हैं ये स्वरा 735 FE। इसमें प्रॉब्लम है स्टीयरिंग असेंबली का, तो हमें इसे ठीक करना है। इसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्ले हो चुका है यहाँ पे, तो हमने इसका ये स्टीयरिंग वर्म का नट खोला हुआ है और इसका सेक्टर भी हमने निकाला हुआ है आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्ले हो चुका है। तो उसका मेन रीज़न क्या है, आप ये प्ले देख सकते हैं। ये स्टीयरिंग व्हील इतना फ्री घूम रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्ले हो चुका है। और ऐसे स्टीयरिंग व्हील को घुमाने से फ्रंट व्हील में कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं। इस और भी आप देख सकते हैं। तो ये प्ले होने की मेन वजह क्या है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, और इसमें ऐसा मेन रीज़न क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी यहाँ पर भी आप ये प्ले देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्ले, यानी कि उसका जो रबर बुश वो ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो डैशबोर्ड निकालना है हमें इसे खोलने के लिए। उसके बाद ये 24 नंबर का नट, उसके बाद ये स्टीयरिंग व्हील बाहर निकाल लेना है। और यहाँ से ये गुटका, फिर ये सेक्टर, और ये स्टीयरिंग असेंबली का 3 बोल्ट, ये वाला एक, ये वाला। तो ये पूरा स्टीयरिंग असेंबली बाहर की ओर निकल जाएगा, शायद निकल पाए क्योंकि ये बहुत जाम होगा, पुराना मॉडल है। तो यहाँ से शायद निकल जाए तो हम ट्राई करेंगे इसको निकालने का, नहीं तो इसे प्रेस पे निकालना पड़ेगा। तो ये स्वराज 735 97 मॉडल है, तो हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं और इसका मेन रीज़न हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और ऐसे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका पार्ट वन, जिसमें हम पूरा डिटेल्स कैसे खोला जाता है, ये पार्ट वन में हम आपको दिखाएंगे, और पार्ट टू में हम आपको पूरा फिटिंग कैसे किया जाता है वो दिखाएंगे। तो अभी हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं, उसके बाद उसका जो मेन रीज़न, उसमें ऐसी क्या चीज़ ख़राब हुई है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्ले हो चुका है, वो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो हमने इसका स्टीयरिंग असेंबली को खोल लिया है, और ये इसका स्टीयरिंग वर्म यहाँ से ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्केच और कट चुका है यहाँ पे, तो इसे हम लेट काम के लिए भेजेंगे। इसमें लेट का काम है, इसका नट सही है, तो ये पुराना ही हमें ठीक करना है। तो हम इसे लेट काम पे कंप्लीट कराने के बाद इसे फिटिंग करेंगे। और हमने आपको बताया था कि इसका मेन रीज़न क्या है वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं अभी कि यहाँ पे ऐसे व्हील को घुमाने से कुछ ज़्यादा ही प्ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्ले यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो ये इसका मेन रीज़न है। हाँ दोस्तों, यही इसका मेन रीज़न, इसी की वजह से हमारा स्टीयरिंग व्हील एकदम फ्री घूम रहा है और फ्रंट व्हील में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका ये मेन रीज़न हमने आपको बताया था। तो इसका ये मेन रीज़न, और इसमें इसका जो स्टीयरिंग वर्म का बैरिंग सेट
दो रहता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, दो बेयरिंग हम आपको निकाल के दिखाएंगे अभी। तो हमें ये प्लेट निकालना है, तो उसका ये बेयरिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये इसका मेटल जो पूरा कटा हुआ है, ये बेयरिंग खराब हुआ है और उसका स्टेयरिंग वर्म का बूस्ट कटने की वजह से यहाँ पे पूरा एमड़ी, ये देख सकते हैं आप अभी। तो इसे भी हमें अच्छे से क्लीन करना है। तो इसका ये दोनों बेयरिंग खराब हो चुका है, ये इसका मेन रीज़न है, ये प्ले होने का मेन रीज़न, ये इसका बेयरिंग खराब होने की वजह से उसमें प्ले हो चुका है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, और हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान भाइयों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए, और हम आपके लिए हर रोज़ ऐसे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस नेक काम में हमारे साथी और सहभागी बने। और दोस्तों, आपको ये वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अपने और किसान भाइयों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हाँ दोस्तों, ये बेयरिंग इसका ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, उसका स्टेयरिंग रॉड कंप्लीट है, उसका स्टेयरिंग वर्म भी कंप्लीट है, इसमें लेट का काम है। हम उसका लेट का काम कराने के बाद यही चीज़ हम दोबारा से फिटिंग करेंगे, तो हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। इसके बाद ये पूरा सामान हमें इसको लेट काम के लिए भेजना है, उसका स्टेयरिंग वर्म का बूस नया चेंज करना है, और उसका बेयरिंग, और इसका ये बेयरिंग मेन रीज़न प्ले होने का। तो हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद ये पूरा सामान लेट काम के लिए भेजेंगे। तो ये पार्ट वन में हमने आपको पूरा स्टेयरिंग असेंबली को कैसे खोला जाता है उसका डिटेल्स बताया, और पार्ट टू में हम आपको बताएंगे हमारा ये पूरा स्पेयर लेट काम से आने के बाद किसको कैसे फिटिंग किया जाता है, उसका पूरा डिटेल्स हम आपको पार्ट टू में दिखाएंगे। तो अभी ये हमने स्टेयरिंग असेंबली को निकालना चाहा लेकिन ऐसे नहीं निकल पाया, इसके लिए हमें इसका पूरा गेट ऑफ खोलना पड़ा क्योंकि ये बहुत जाम है, तो इसे हमें प्रेस पे निकालना पड़ेगा। तो अभी ये इसका स्टेयरिंग रॉड सही है, तो ये ही हम यूज़ कर लेंगे। तो ये इसका पूरा स्टेयरिंग असेंबली का सामान, यहाँ से हमें इसे प्रेस पे निकालना है, इसी की वजह से हमें यहाँ से पूरा गेयर टॉप निकालना पड़ा दोस्तों, नहीं तो ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। तो हम इसे प्रेस पे ले जाके निकाल लेंगे स्टेयरिंग असेंबली को। तो हम जल्दी ही मिलते हैं पार्ट टू में, तब तक के लिए धन्यवाद।